गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वन एंड ऑल, एंड वंस अगेन वेलकम बैक इन दिस कंप्यूटर क्लास। मेरे सभी प्यारे छोटे बच्चों, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर। उम्मीद करता हूँ कि बहुत से छोटे बच्चे हैं जो क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड में पढ़ते हैं। आप लोगों का एग्ज़ाम गूगल फॉर्म पर नहीं लिया जाएगा। क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड स्टूडेंट्स विल गिव देयर एग्जाम्स इन व्हाट्सएप। क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड के सभी बच्चे व्हाट्सएप के ऊपर अपना हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर को सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये है कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर। क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड के बच्चे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए बच्चे पेज नंबर 38 ओपन करेंगे। यानी सीधा सीधा आप अपने बुक में वर्कशीट को ओपन करिए। आपके बुक में वर्कशीट दिया हुआ है, उस वर्कशीट को ओपन करिए। इमेजिन योरसेल्फ, आप अपने को मान लीजिए कि आपने आज एग्ज़ाम देना है और ये क्वेश्चन पेपर आपके पास में यहाँ पे वर्कशीट में, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है और आप कैसे पेपर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर ये दिया हुआ है, यू हैव टू जस्ट राइट ओनली द आंसर। यू हैव टू राइट जस्ट ओनली द आंसर, बट जो क्वेश्चन नंबर है वो आप सेम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर कैसे लिखेंगे, सेम लिखेंगे। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है ए, चूज द बेस्ट आंसर। हम लिखेंगे चूज द बेस्ट आंसर। अब इसमें ये तो हो गया आपका ए सेक्शन। अब ए सेक्शन में कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, चूज द बेस्ट आंसर, कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो आप यहां पे लिख लेंगे 5। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन वी डू ऑन ए कंप्यूटर। ए प्ले गेम्स, बी राइट मैसेज, एंड सी ऑल ऑफ दीज। आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो जो आंसर सही है वो आप यहां पर लिख दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डू वी सी ए कंप्यूटर। ए स्कूल, बी ऑफिस, एंड सी बोथ एंड ए एंड बी। आंसर सही क्या है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच मॉनिटर, विच पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर लुक्स लाइक ए टेलीविजन। ए मॉनिटर, बी सीपीयू, एंड सी कीबोर्ड। राइट आंसर इज मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर फोर, विच पार्ट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। ए मॉनिटर, बी सीपीयू, एंड सी कीबोर्ड। करेक्ट आंसर इज सीपीयू। CPU always should be in capital letter. CPU हमेशा capital letter में लिखेंगे। Question number 5, which part of a computer is used to take a print out on paper? A monitor, B printer, and C keyboard. Right answer is printer. तो मेरे प्यारे सभी छोटे बच्चे, आप देख रहे हैं ना, आपको इसी तरीके से आंसर देना होगा। आप जस्ट चॉइस टेक वन ए फोर साइज पेपर। सभी छोटे बच्चे एक ए फोर साइज का पेपर ले लेंगे।
ए फोर साइज पेपर है ना, उसके बाद उसमें आप जस्ट मेक द लाइंस, उसमें आप सिंपल सी इस तरीके से लाइन उसमें आप ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके का एक ए फोर साइज का पेपर लेंगे और स्केल से बड़े अच्छे से जो है उसमें आप लाइनिंग ऐसे खींच लेंगे। सबसे ऊपर में आप अपना नेम, फादर्स नेम, क्लास, सेक्शन, डेट, सब्जेक्ट, एग्जाम, ये सारी बातें उसमें आप बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद फिर नीचे से आप अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे। ए चूज द बेस्ट आंसर, फर्स्ट आंसर ऑल ऑफ दीज, सेकेंड आंसर बोथ ए एंड बी, थर्ड आंसर मॉनिटर, फोर्थ आंसर सीपीयू, फिफ्थ आंसर प्रिंटर। अब ए के बाद में क्या आएगा? बी। क्वेश्चन नंबर बी, सो वी विल राइट द बी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी, राइट टी ट्रू और राइट टी ट्रू और एफ फॉल्स। अब आपको कितने क्वेश्चन दिए गए हैं ट्रू फॉल्स के? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहां पे आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब ट्रू फॉल्स के फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मशीन वर्क्स वेरी स्लोली, ये फॉल्स हो गया। तो आप यहां पे लिख देंगे फॉल्स। कंप्यूटर रन्स ऑन डीजल, ये भी फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री, मशीन्स नेवर मेक मिस्टेक्स, ये आपका ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर, ए कीबोर्ड इज यूज्ड टू टाइप लेटेस्ट नंबर्स एंड वर्ड्स, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर फाइव, द कीज ऑन विच नंबर्स आर रिटन आर कॉल्ड स्पेशल कीज, ये फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स, यू कैन वॉच कार्टून्स ऑन ए सीपीयू, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर सेवन, ए माउस हैज मेनी कीज, स्पेस बार इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, कैप्स लॉक कीज यूज टू गिव स्पेसेस बिटवीन लेटर्स, ए माउस हेल्प अस टू ड्रॉ पिक्चर्स, कहने का मतलब सभी छोटे बच्चे क्वेश्चंस को बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने के बाद आप इस तरीके से केवल जस्ट राइट ओनली आंसर्स। क्वेश्चन आपका यहां लिखा हुआ है बी, बी सेक्शन में राइट ट्रू और फॉल्स, आपके उसमें 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस तरीके से आपको केवल आंसर लिखना होगा, क्वेश्चन रीड करिए और आंसर रीड करिए, क्वेश्चंस को रीड करना है और आंसर्स को राइट करना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इन वन वर्ड, सी, आंसर इन वन वर्ड। कितने क्वेश्चन है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 5 क्वेश्चन है, तो हम पहले 5 लिख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द मशीन यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। नेम द मशीन यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। एक मशीन का नाम बताइए जो हमारे कपड़े को धोता हो। तो राइट आंसर क्या है? WASHING, MACHINE, वॉशिंग मशीन। इस बात का भी ध्यान रखना है कि स्पेलिंग हमारा सही हो। स्टूडेंट्स हैव टू कीप इन देयर माइंड व्हाइल राइटिंग दैट व्हाइल राइटिंग वी हैव टू राइट द करेक्ट स्पेलिंग। लिखते समय इस बात का पूर्ण ध्यान हो, पूरा ध्यान रखे कि हमको अपनी स्पेलिंग सही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द मशीन यूज टू सॉल्व, सी मूवीज, कार्टून्स, लिसन टू म्यूजिक एक्सेट्रा। तो ये हो जाएगा आपका, क्या होगा? कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर। थर्ड में, विच पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर कंट्रोल्स द पॉइंटर मूवमेंट। विच की ब्रिंग्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। एंटर की। विच की इरेजेस द लेटर्स वन बाय वन लेफ्ट ऑफ द कर्सर। बैकस्पेस की। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना अच्छा लग रहा है, इससे मालूम चल रहा है कि स्टूडेंट्स सेक्शन सी में आंसर इन वन वर्ड में 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 5 क्वेश्चंस का आंसर बच्चों ने यहां पे लिखा है। प्यारे बच्चों, आपको इसी तरीके से लिखना है। कम टू द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्शन डी, फिल इन द ब्लैंक्स। कितने क्वेश्चन है? 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4 and 5। फर्स्ट में क्वेश्चन है, वी कैन सॉल्व डैश यूजिंग ए कंप्यूटर सम्स। वी कैन लिसन टू डैश ऑन ए कंप्यूटर म्यूजिक। देयर आर डैश अल्फाबेट कीज ऑन द कीबोर्ड 26। ए डैश हेल्प अस टू प्ले गेम्स कंप्यूटर। क्वेश्चन 5, ए डैश लुक्स लाइक ए बॉक्स सीपीयू। यानी क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स, ओपन द पेज नंबर 38 and 39। यू गेट द वर्कशीट ऑफ दिस वन। जो क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो अपने बुक में पेज नंबर 38 और 39 खोलेंगे तो आपको मिलेगी एक वर्कशीट। उसी वर्कशीट्स को मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाया है एज ए क्वेश्चन पेपर की तरीके से। क्या आपका क्वेश्चन पेपर भी इसी तरीके से बना हुआ है? अगर आप लिख रहे हैं
तो मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि आप एक A4 साइज का पेपर ले लीजिए, A4 साइज पेपर, और इस A4 साइज के पेपर को क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड दोनों क्लास के बच्चे A4 साइज का पेपर मार्केट से खरीद लेंगे, कम से कम दो या तीन पेपर, दो या तीन पेपर पहले से परचेज कर लेंगे, और परचेज करने के बाद आप अपने उस पेपर में स्केल से बहुत अच्छे से लाइन इस तरीके से खींच लेंगे। खींचने के बाद यहां ऊपर नेम, क्लास, सेक्शन, फादर्स नेम, डेट, डेट आप लिख लेंगे 16th October 2020, क्योंकि आपका पहला पेपर जो है वो कंप्यूटर का ही पेपर है और उस दिन डेट यही रहेगी 16th October, पहला पेपर आपका यही पेपर है कंप्यूटर का और डेट होगा 16th October। उसके बाद आप यहां पर लिखेंगे एग्जाम, हाफ ईयरली 2020। इतनी बातें आप पेपर में यहां वन बाय वन बड़े अच्छे गुड हैंडराइटिंग में, बड़े ही अच्छी हैंडराइटिंग में आप यहां पे लिख के पेपर को अच्छे से रख लेंगे। थ्री पेपर्स आपको परचेज करना है, खरीदना है तीन पेपर, और तीनों में लाइनिंग आप खींच लेंगे, और खींचने के बाद आप इसको अच्छे से रख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको पेपर में बताया कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो सेक्शंस दिया गया है, जैसे कि पेज नंबर 38 और 39 में दिया हुआ है वर्कशीट में, ए सेक्शन ए चूज द बेस्ट आंसर, तो आप भी लिखेंगे, और नीचे क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, बी सेक्शन में राइट टी ट्रू एफ फॉल्स, आप भी लिखेंगे, उसके नीचे 10 क्वेश्चंस दिए गए तो 10 नंबरिंग होगा, डू नॉट चेंज द नंबर्स, नंबर को चेंज नहीं करना है, अगर आप नंबर चेंज कर देंगे मुझे कॉपी चेक करने में फिर तकलीफ महसूस होगी, इसीलिए आपके बुक में जो भी सेक्शंस दिया गया है वही सेक्शंस रखेंगे, और जहां किसी भी चीज की डाउट होता है आप मुझसे तुरंत संपर्क बनाएं। हमारा नंबर आपके पास है, आपके व्हाट्सएप में है, हमारा नाम रवि कुमार है। इस तरीके का पेपर आप सॉल्व करके अपने पास में रख लीजिए, और जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो इस पेपर को नीचे टेबल पे अच्छे से या नीचे फर्श पे, नीचे जमीन पर रख लीजिएगा, और इसका पिक्चर क्लिक करके अच्छे से आप मेरे पास भेजेंगे। देखे हैं कई बार बच्चे क्या करते हैं, पिक्चर को स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो वो स्क्रीनशॉट हमारे पास ऐसे आएगी, किसी का ऐसे आएगा, किसी का इस तरीके से आएगा, नहीं, आप जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो हमारे पास इस तरीके से सीधा आएगा। आप जो भी किसी भी पेपर का स्क्रीनशॉट लेंगे वो स्क्रीनशॉट हमारे पास व्हाट्सएप के ऊपर सीधा आना चाहिए इस तरीके से, और एकदम क्लियर पिक्चर क्लियर होनी चाहिए और स्ट्रेट होनी चाहिए। ओके, उम्मीद करता हूं कि मैंने सारी बातें वो वीडियो में बताई है जो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर किसी बात का आपको अगर डाउट है, शंका है, महसूस हो रहा है,
तो डियर स्टूडेंट्स कॉन्टेक्ट मी इमीडिएटली एंड अर्जेंटली. ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.